क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस तरीके से निकालेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, लेट अस कंसीडर ए ट्यूब विच हैज डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक ट्यूब लेना है जिसको डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दीज आर द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। इस ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा है, आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड मीन्स विच इज इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। और इधर देख लीजिए, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए वन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हियर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए टू। ठीक है, लेट द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट ए इज वी वन एंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड लीविंग एट बी इज वी टू। फिर से बताता हूं, इन ऑर्डर टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लेट अस कंसिडर ए ट्यूब थ्रू विच एन आइडियल लिक्विड फ्लोज। लेट द ट्यूब हैज डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन एंड ए टू। लेट वी वन बी द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट ए एंड वी टू बी द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट बी। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने इसकी पिक्चर दिखाई, ये एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड फ्लो करता है। अब देख लीजिए, लेट रो वन बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट ए, रो टू बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट बी एज इज शोन इन फिगर ए। मैंने फिगर में सब बता दिया आपको, तो अब आप लोगों को यह याद रखना है, ए वन कॉमा ए टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी, दो पॉइंट्स। ठीक है बेटा, वी वन वी टू वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट ए एंड बी, दिस इज अनदर पॉइंट। रो वन रो टू, दिस द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, सब कुछ बता दिया है। अब पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड इन ट्यूब एट ए, एट ए वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड इन ट्यूब एट ए। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड का मतलब हो गया वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम। ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझना है। वॉल्यूम होता है एरिया को जब मैं मल्टीप्लाई डिस्टेंस से करूंगा तो वो वॉल्यूम बनता है। एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। शाबाश बेटा, एरिया कितना है ए पॉइंट पर, पोजीशन ए पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए वन, वेलोसिटी डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द, अगर डिस्टेंस इसने डिस्टेंस अपॉन टाइम, एरिया इज डिस्टेंस अपॉन टाइम कवर्ड बाय द लिक्विड एट ए इज वेलोसिटी, हो गया वी वन। ए वन वी वन इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड इन ट्यूब एट ए, हो गया एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम, ए वन वी वन। अच्छा, मास ऑफ द लिक्विड, ये तो वॉल्यूम है, मास ऑफ द लिक्विड
मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग, मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग इन द ट्यूब, इन द ट्यूब पर सेकेंड. इज इक्वल टू, शाबाश, मास होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी. पहले मैंने वॉल्यूम निकाला, अब निकाल रहा हूं मास. मास का मतलब हो गया वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी. वॉल्यूम कितना है, ए वन वी वन मल्टीप्लाई डेंसिटी एट ए इज रो वन, हो गया ए वन वी वन रो वन. सिमिलरली एट बी, मास ऑफ द लिक्विड लीविंग थ्रू द पाइप एट बी, हो गया मास ऑफ द लिक्विड लीविंग एट बी इज इक्वल टू ए टू वी टू रो टू. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है बेटा, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ लिक्विड, अगर कुछ लॉस नहीं होगा, दिस मीन्स मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट ए विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द लिक्विड लीविंग एट बी. अगर कुछ भी लॉस नहीं होगा लिक्विड का, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ लिक्विड, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ लिक्विड, अगर कुछ भी लॉस नहीं होगा, शाबाश बेटा, देन देन ए वन वी वन रो वन इज इक्वल टू ए टू वी टू रो टू. ठीक है, सिंस लिक्विड इज सेम, सिंस रो वन इज इक्वल टू रो टू इज इक्वल टू रो, क्योंकि लिक्विड सेम है, डेंसिटी सेम होगी, देन ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू. ठीक है बेटा, इन जनरल इसका मतलब हो गया जितना यहां से लिक्विड एंटर होता है, इन जनरल ए वी, ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दिस मीन्स वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट बी, लीविंग पर सेकेंड एट बी मस्ट बी सेम, must be same. This is called the equation of continuity. What is equation of continuity? Volume of the liquid entering at point A is always equal to the volume of the liquid leaving at B per second. That is AV is equal to constant. This equation is called equation of continuity. AV is equal to constant is called equation of continuity. इधर देख लीजिए बेटा एक मिनट के लिए, मैंने आपको बताया ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, ये रो कॉन्स्टेंट है, रो रो, ठीक है, इस तरीके से रो, ए वन वी वन इंटू रो इज इक्वल टू ए टू वी टू इंटू रो इज इक्वल टू है ये कॉन्स्टेंट. मगर ए वन वी वन इन जनरल ए वी रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मगर दिस कॉन्स्टेंट ए वी इंटू रो इज द मास ऑफ द लिक्विड, इट इज एक्चुअली मास ऑफ द लिक्विड, ए वी रो इट इज एक्चुअली द मास ऑफ द लिक्विड लिविंग और एंटरिंग. इसलिए ए वी रो इज इक्वल टू एम, ए वी इज इक्वल टू एम अपॉन रो, ये याद रखना बेटा, ये याद रखना. दिस इंप्लाइज डेट ए वन वी वन इज इक्वल टू एम अपॉन रो इज इक्वल टू ए टू वी टू. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बिकॉज
A1V1 rho is equal to mass. Yaad rakhna, this is another form of equation of continuity.